ਜਾਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੜਕਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਗਾਤਾਰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰ ਪੜਕ ਗਏ। ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਿੰਡ ਜੱਗਾ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਪ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋ ਗਏ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਚਾਇਤੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਕਾਗਜ਼ ਰੱਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਰੋਸ ਹੈ। ਗਗਨ ਚੌਂਕ ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਧਰਨਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ ਕਰਦੇ ਵਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ। सो वक्त पिंडा तो वक्त थावान तो वक्त हल्किया तो खबर निकलता निकल के लगातार सामने आ रही ने। कागज़ रद्द होने तो लोग खफा ने। जग्गा राम तीर्थ के दसया जा रहा है कि आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार को छोड़ के बाकी सारे उम्मीदवार के कागज़ रद्द कर दिए गए हैं। राजपुरा के भी कुछ अजिही तस्वीर। गगन चौंक से पिंड वासियों ने पहुँच के धरना लाया तो नारेबाजी सरकार के खिलाफ की गई। सो आखिरकार क्यों लगातार वार वार धांधलियों के इल्जाम लग रहे हैं? कागज़ आखिरकार क्यों रद्द करवाए जा रहे हैं? की चाल है, की षडयंत्र है कि वाकई ची आम आदमी पार्टी सत्ता की दुरवरतों कर रही है, क्योंकि विरोधी इल्जाम यही ला रहे हैं। तलवंडी साबो के कागज़ रद्द होने तो पढ़ के लोगों का जोरदार प्रदर्शन तुहाडी टीवी स्क्रीनस ते। पिंड जग्गा राम तीर्थ के आप छड़ के बाकी सारे उम्मीदवार के कागज़ रद्द कर दिए गए। राजपुरा के भी कई पिंडों में पंचायती चोणों लैके रेड़का बरकरार है। गगन चौंक से पिंड वासियों ने इतने धरना ला के सरकार खिलाफ जोरदार नारेबाजी की, सरकार खिलाफ मुजाहरा किया गया। हालांकि एक थान की नहीं, कई थावां की खबर आ रही ने। पहला नॉमीनेशन लैके रेड़का, उस तो बाद जिस दिन अखीरला दिन से नॉमीनेशन फाइल कर उस दिन भी रेड़का, हूँ कागजा की पड़चोल लैके रेड़का। कई कागज़ रद्द कर दिए गए हैं। दो तस्वीर फिलहाल बठिंडा और राजपुरा की तुहाडी टीवी स्क्रीन से तुसीं वेख पा रहे हो, जिथे कागज़ रद्द होने तो पड़ के लोगों ने प्रदर्शन किया, धरना लाता, सरकार खिलाफ नारेबाजी करते दिखाई दिए ए लोग। कारण यही है, वजह यही है कि इल्जाम आम आदमी पार्टी सत्ता तिरते लग रहे हैं। क्या जा रहा है कि सत्ता की घोर दुरवरतों करके डेमोक्रेसी का कतल किया जा रहा है, लोकतंत्र का घाण किया जा रहा है। आपा अपना रोस कर लिया, थोड़ी आवाज देखो पहुंच गई, ठीक है। आपा हुण इहनूं खत्म कर, जे जिहड़ी तुसीं लिस्ट की गल करदे हो जां होर करदे हो, आपा इहनां नूं कहिंदे आ, इह मंगांदे आ, उहदी व्हाट्सएप ते मंगा लैंदे आ, सरपंची दे कैंडीडेट हैं जी। बीबा बलजिंदर कौर ने अपनी शर्म धक्का कर रही है जी। सानू दो तीन बारी धमकियां भी दित्तियां गईयां भी तुसीं बैठो, उन्हां दे रिश्तेदार भी चोण लड़ रहे जी, उन्हां दे हक सानू बिठाउण दा भी पूरा जोर लाया गया। हूँ तो शरेआम धक्का करके एन ओ सियाँ लैन वास्ते भी असं तीन दिन सड़कों पर बैठे रहे हैं जी। वो भी असं डीसी साहब से पेश होकर तो मसा एन ओ सियाँ लिया, उन्होंने सिफारिश की, फिर मिल गया जी। दो घंटे तो लिस्ट वास्ते भी खजल खराब हो, लिस्ट सानू लिस्ट ही नहीं दिखाई गई कितने लगी है। उदू बाद दो घंटे बाद मत्था मारन तो बाद सानू लिस्ट दिखाई गई, हूँ देख लो जी। उदू बाद धक्का तो हूँ शरेआम धक्का ही है जी, हूँ ता ही उस करके सड़कों पर बैठे जी। सानू इंसाफ मिलना चाहिए जी, असं प्रशासन तो उम्मीद करांगे जी, पर धक्का शरेआम हो रहा है जी बिल्कुल। तो असी इतने खड़ते नहीं जी, असी हाई कोर्ट तक इस मसले को घड़ीसांगे जी, जितों तक होया सर। जिन्हें भी जिम्मेवार अफसर है वह भी आपकी मतलब रख लैन भी साढ़े नाल, इतने खड़न वाले मसला नहीं है। धक्का तो होनी, उन्होंने पता है भी साड़ी कोई वोट नहीं, काम ही नहीं कराया जी। सत्त तीन साल हो गए सरकार बनी, कोई एक पब्लिक के पक्ष का एक काम नहीं कराया। हाँ, निजी रिश्तेदार है उन्होंने, बलजिंदर कौर की मासी है जी जी, जसविंदर कौर है, ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਿਆਮ ਪੱਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧੱਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਫਾਰਮ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਸਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਜੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਰਕਰ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਠੀ 2 ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਜੁਆਇਨ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਅਬਜੈਕਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੈਂਸਲ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਸੋਨ ਲਗਾ ਦਿਆ ਜੀ, ਨਾਸ ਦਿਆ ਜੀ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦਾ ਤੇ ਕੁਛ ਮੈਂ ਬੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਦਿਵਾਲੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੇ ਗੁਰਨਾ ਖੇੜੀ ਵਗੈਰਾ ਕਈ ਪਿੰਡਾਂ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਪਿੰਡਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਧੱਕੇਸ਼ਾਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।